सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे एक छोटा सा काम है जो कि आप करते नहीं हो यार, प्लीज़ कर दिया करो। आपको क्या करना होता है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना होता है, वहाँ पे अपना नाम, स्टेट और अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो डालनी होती है। तो यार, तीन चीज़ें जो है ज़रूर डाल दिया करो, जिससे कि मेरा भी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाता है कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं वो डाल दिया करें, और फटाफट से वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट लाते रहता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, सुजुकी मोटर जो है कंपनी जो है कैंपस प्लेसमेंट लगा रही है। यह बहुत ही अच्छा मौका है आपको कैंपस में भाग लेने का और यहाँ पे जॉब प्राप्त करने का। तो ऐसा मौका दोस्तों बिल्कुल भी ना गवाएं। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे कैंपस लग रहा है सुजुकी मोटर का, तो इस मौके को बिल्कुल भी ना गवाएं। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यानी कैंपस का, वो भी यहाँ पे आउट कर दिया गया है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th हो, चाहे 12th हो या फिर ITI कर रखा हो, डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो, ठीक है। ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे कैंपस में जरूर से जरूर भाग ले पाएंगे, और यहाँ पे हो सकता है आपकी जॉब भी यहाँ पे लग जाए। तो काफ़ी अच्छा मौका है। यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी भी आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे 20,800 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि होगा मेरे टेलीग्राम का, ठीक है। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन नहीं किया वो अवश्य से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, और अगर जिन्होंने जिसको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहिए वो सेकंड चैनल मेरा टोटल जॉब्स गुरु, वो उसको जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर बेनिफिट्स की हम बात करें यहाँ पे, तो देख ही पा रहे होंगे रहना खाना कैंटीन की भी सुविधा यहाँ पे जो है आपको मिलने वाली है। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड यहाँ पे जो आपको कैसे कैंपस में भाग लेना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, सुजुकी मोटर कैंपस प्लेसमेंट 2022, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट और ITI कैंडिडेट, यहाँ पे दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, दोनों ही कैंडिडेट जा सकेंगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कंपनी किस बेस पर काम करती है एंड कैसे सिलेक्शन होगा और किस तरह आपका यहाँ पे जो है चयन प्रक्रिया होगी और कैसे आप यहाँ पे जाओगे, किस डेट को में जाओगे, सारी डिटेल्स मैंने आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से दे रखी है, आप यहाँ पे आराम से रीड कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखोगे तो सुजुकी मोटर का यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो सुजुकी मोटर कैंपस प्लेसमेंट 2022। गाइस, यहाँ पे कैसे जो है आपको यहाँ पे जो आपको भाग लेना है वो कैसे लेना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक डिटेल्स पढ़ पाओगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कंपनी की वेबसाइट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हो, ये मैंने वेबसाइट जो दे रखी है वो आपको हिंदी जो डिस्क्रिप्शन में है वो भी यहाँ पे इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। और जॉब रोल की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए है, और यहाँ पे अगर बात करें इस कंपनी के बारे में अवार्ड सेक्शन में जा करके देखोगे तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है, किस तरह से जो है कंपनी काम करती है यहाँ पे। और अगर बात करें हम जॉब लोकेशन के बारे में, तो जॉब लोकेशन आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, गुजरात के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। एंड सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी यहाँ देख ही पा रहे होंगे 20,100 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास ITI पास होना चाहिए, कौन कौन से ट्रेड से होना चाहिए वो आप देख ही पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे अगर आप फिटर से हैं, बेल्डर से हैं, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, पेंटर वगैरह, ये आपके पास ट्रेड हैं तो वो सभी उम्मीदवार जा सकेंगे कैंपस में। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे 18 से लेकर के 23 वर्ष के उम्मीदवार के लिए है ये वैकेंसी। और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे जो कि आपके पास रिज्यूम होने चाहिए, यानी बायोडाटा, मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, 10th की, 12th की जो भी हो उसका, ठीक है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह और आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप जा पाओगे यहाँ पे। कैंपस इंटरव्यू की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे डेट जो रखी गई है 7 नवंबर 2022 को लगेगा, टाइम जो रहेगा 9:30, और वेन्यू जो दे रखा है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जो कि गुजरात के अंदर ये कैंपस लगेगा। और करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपको किस तरह से देखने को मिलेगा, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से जो आप यहाँ पे देख पाओगे।
गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आना है गूगल पर, ठीक है। अब गूगल पर आने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल पर आओगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको सर्च बार का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं। सर्च बार के इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा ऑनलाइन जॉब तक, जैसे कि यहाँ पे आप मैं देख ही पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे आप जो टाइप कर दिया आपके सामने ऑनलाइन जॉब तक। ऑनलाइन जॉब तक डालने के बाद जैसे मैंने सर्च किया, आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट टैब पर ही देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे www.onlinejobtak.online, ठीक है। आपके सामने इस तरह का लोगो भी देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के लिए आपको देखिए मेरा एक ही मकसद है कि यहाँ पे मैं आपके लिए सारी डिटेल्स बता देता हूँ, जैसे कि बेसिक डिटेल्स, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी डिटेल में जो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको इसकी तरह से यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको फॉलोअर का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। अगर आपने गाइज यहाँ पे फॉलो नहीं कर रखा है भाई, प्लीज़ फॉलो कर लेना, सिर्फ आपको एक सेकंड लगेगा यहाँ पे फॉलो करने में। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे जब भी आर्टिकल डाला जाएगा आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा फटाक से। तो यहाँ पे जो है ज़रूर से फॉलो भी कर लेना। और ऊपर हम आएंगे तो हम यहाँ पे देख पाएंगे जो कि यहाँ पे मारुति सुजुकी कैंपस प्लेसमेंट 2022, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट आईटी कैंडिडेट भी जा सकेंगे। तो हमें डिटेल से देखने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड जो भी आपको ऐड दिखाई दे उसे कट कर देना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सामने कुछ बेसिक डिटेल्स ओपन होंगी, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। अब बेसिक डिटेल्स के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे जब आओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर आपको इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर देना है, जो कि मैंने आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था वो आपको बताया था, वो यहाँ पे देख ही सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कैंपस प्लेसमेंट डेट जो रहेगा 7 नवंबर 2022 को रहेगा, दिन मंडे का होगा, समय 9:30 रहेगा, ठीक है। ये आपको कैंपस में यहाँ पे जरूर से भाग लेना होगा। और इसके लिए योग्यता की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया, जो कि आईटीआई और 10th पास होना जरूरी है, जिसमें 10th में 40% मार्क्स होने चाहिए, आईटीआई में 50% मार्क्स होने अनिवार्य है। ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड भी मैंने आपको बता दी, जो कि फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट वगैरह, ये मैंने आपको ट्रेड बता दिया है, ठीक है। आईटीआई पास आउट अगर 17 में 18 19 20 21 में 22 में किया है तो भी चलेगा, ठीक है। इसके लिए आप गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप 1 ईयर और FTC 7 मंथ कंपनी पे रोल, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टाइपेंड आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो कि मैंने आपको एड्रेस बताया था कैंपस का वो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, आप अपने मोबाइल में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी, निकालना भी आपको आ गया होगा किस तरह से आप यहाँ पे देख पाओगे कैंपस की डिटेल्स, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। कोई भी अगर आपका डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूंगा। और अगर वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।